गुड मॉर्निंग, क्या क्या बनाया आपने? कितने बजे उठी थी सुबह? मैं उठ गई थी 3:30 बजे, 3:30 बजे उठ जाती हूँ। आज मेरी मम्मी के हैप्पी बर्थडे है। कितने साल की हो गई हो? 55 कंप्लीटेड टुडे। ये देखो मैंने छोलिया का पुलाव बनाया, घसीड़ के कोफ्ते की सब करेले। मेरे गौरव को बहुत पसंद है इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए स्पेशली ये सरसों का साग और वो जूस बनाया मैंने। किस चीज का जूस है? ऑरेंजेस, आंवला, चुकंदर, गाजर, ये बनाया मैंने। ये गाजर का हलवा फॉर यू टू। इस पराठा में इसमें हरा लहसुन, हरा प्याज, व्हाइट मक्खन घर का। मोटे दिखा दे अपना वाला। एक्चुअली बात क्या है, इन्होंने लिखा है सिर्फ इतना सा, ठीक है। स्वाति दीदी का भी बहुत बड़ा मैसेज है, पापा का भी बहुत बड़ा मैसेज है, मेरा भी बहुत बड़ा मैसेज है। तो अब इन्हें ना इनसिक्योरिटी हो गई कि मैंने इतना सा लिखा, बाकी सबने पूरा भर दिया। और क्या है? देखो मैंने पूरा भर दिया, पापा ने पूरा भर दिया। नहीं ये नहीं, रिकॉर्ड में ये नहीं होगा। एक्चुअली मैंने कम लिखा तो मम्मी को लगा मैं कम प्यार करता हूँ उनसे। यार थोड़ा दिखाना क्या लिखा तुम्हें, फिर मेरे को आइडिया आ जाएगा क्या लिखना है। दिखाते रहे ऐसे की तैसे, रुक जा। ये लो स्वाति दीदी का लिखो। नहीं मम्मी के लिए मैसेज है, आपके लिए थोड़ी ना पढ़ने के लिए। देखो मैं गाड़ियों को पढ़ूंगा मैं, रुक जा। अच्छा कैसे पढ़ लो यार, रुक जा यार, पर्सनल मैसेज है। हाँ, मम्मी के लिए लिखा तो बाद में तो मैं पढ़ने दूंगा ना, पढ़ने दे मेरे को। मम्मा आए आए, अरे मेरी आंखें क्यों बंद कर ली यार? क्योंकि बहुत इतना और मैं कहाँ बैठ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तू मेरी बीवी है, तेरा हक है, मेरा हक है। मैंने मम्मी के लिए लिखा, मेरी बीवी के लिए है। पढ़ने दे। अच्छा दो लाइन तो थोड़ा आईडिया लगा ना, मैं लिखूंगा ना, रुक जा। अपने फीलिंग्स खुद लिखो और अपनी फीलिंग्स पढ़ के क्या फीलिंग। मैं अपने खुद लिखूंगा, तू आगे आंखें तो छोड़। अरे पापा को पढ़ लिया आपने, बहुत है। मम्मा आई लुक अप टू यू, मम्मा आई लुक अप टू यू। अपनी खुद की खुद उठाकर सुबह 3:30 बजे खाना बना रहे मम्मा आई लुक अप टू यू। 12:12 बजे तक छुट्टी कर। यार मेरे को तो प्रेशर हो गया है कुछ लिखने का। दो लाइनें लिखी हैं टोटल। पहले तो सिर्फ ऊपर की लिखी थी, लव यू माँ, हैप्पी बर्थडे। मैंने कहीं से कुछ और लिखा, कुछ नहीं लिखा। फिर थोड़ा प्रेशर बना के 3 लाइनें और लिखी अभी पेन से। मेरा हाल उस बच्चे की जरा हो गया है कि जो कॉपी एग्जाम में लिख तो रहा है लेकिन उसके उसका एक ही शीट में पेपर होगा, उसके आजू बाजू वाले मिस कैन आई गेट वन मोर शीट, मिस कैन आई गेट वन मोर शीट। और मेरा हाल ऐसे है, वन मोर शीट इसका तो आंसर सिंपल था। लेकिन डिफेंस में बोल तो दो अपने कुछ मम्मी, ताकि जब ये वीडियो देखे तो मम्मी को लगे क्या देखी लड़के अपनी फीलिंग। मम्मी मैं पता लिख नहीं पा रहा, मैं अगर बोलना चाहूँ ना आपसे तो मैं बहुत कुछ बोल दूंगा, बट मैं लिख नहीं पा रहा। मम्मी क्या लिखूं, मुझे थोड़ी शर्म से आती है। वैसे ये तो है, लड़के ना थोड़े कम एक्सप्रेसिव होते हैं। हाँ। वो फील तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन बता नहीं पाते। लड़कियां बता देती हैं और इसलिए हमेशा फायदे में रहती हैं, इसलिए हमेशा लगता है कि हाँ भाई लड़कियां ज्यादा प्यार करती हैं। मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा अच्छे से। तो राठी इज अंडर प्रेशर, अपने पन्ने को और भरते हुए। क्योंकि अभी मैंने थोड़ा अपना मैसेज लंबा कर दिया है, सो शी इज अंडर प्रेशर नाउ, शी इज राइटिंग मोर। देखो ऐसे ऐसे तो लोग हैं हमारे यहाँ, कंपटीशन लगाते हैं ये। आज हर केक काटते चल है? लंगूर खा भी रहे हो, देखो बिल्कुल असली लंगूर, देख लंगूर लंगूर। ये देख जूस किस चीज का है, ये अच्छा है ना? है तो अच्छा, लेकिन इसमें आंवला है। हाय राम, हैप्पी बर्थडे टू यू। टीवी बंद करो यार, पापा आते हैं नहीं। चलो पापा की टोपी देखो, मेरी गिर रही है टोपी, अरे गिर गई। देख मैं वो बन गया अलादीन की टोपी हो गई मेरी, देख पीछे हो गई, आगे कर दो। हाँ चलो आ जाओ, केक तो ले लिया, कैंडल नहीं अपने पास। मेरे कैमरे तो छोटे वाला कैमरा, देखो सब कुछ आ रहा है इसमें। अरे वाह, अरे मेरे टोपी गिर। अरे रुको रुको, हैप्पी बर्थडे टू यू। स्मार्ट हो गया। क्या बोला तूने? ना छोड़ दूंगा। कहते हैं कि मम्मी बोलते थे पापा मारते, लेकिन मैं स्मार्ट हो गया तो इसलिए मेरे को डर नहीं है। मेरे बच्चे डंडा लेना जरा, इसकी नाक फोड़ूंगा मैं। कर दे तेरी तोड़ू। ओए 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 ओए, मार पड़वा दी इसने मेरे को। बेटा तू अब देख, ये ऊपर वाला है, ये स्वाति का मैसेज है, ये मेरा मैसेज है, ये बीच में आराम का मैसेज है। ठीक तो हैंडराइटिंग मेरी यार। अरे जो खुद पढ़ने में पापा पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा बेचारी मम्मी को। अरे यार आ रहा, तुम चुप करो, मेरी माँ बुढ़ी हो गई है। लाल में पढ़ के सुना, राष्ट्रपति को पढ़ के सुनाना पड़ता है। जैसे मंत्री वो लेता है ना प्रतिज्ञा लेता है, तो उसको पढ़ के सुनाते हैं। मम्मा टुडे बीइंग अ मैन मायसेल्फ, मॉम मायसेल्फ, वही
देख लो गौरव, तेरे भैया सबसे पहला काम इसके बच्चों की हैंडराइटिंग सुधारनी पड़ेगी। अरे मॉम लिखा, मैन मॉम स्वाति को लिखे की बीइंग अ मैन मायसेल्फ यार। वही मैं सोच रहा था, आई रियलाइज आगे बताएंगे। How hard your life must have been raising us and managing so well. All I can say is I love you. Arav, nani phir se wapas aa jao. I really miss you. I miss you too, bhaiya. Love you, mama. Love you, ma. Happy birthday. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी तो जान बस गई। लेकिन आप अपना ख्याल कम रखते हो। मेरी तो यही इच्छा है कि अगले जन्म में भी आप मेरी माँ बनकर आओ। I love you. मेरा मैसेज है। I love you. I love you. I love you 2, 3, 4, 5, 6, 7. आप कह रहे थे आपको ब्लशन पसंद है। नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी एज बढ़ रही है, अब ये लगाओ। ये क्या रखा मम्मी? अरे वाह, ये पापा का मैसेज है, मैंने टाइप कराया था। तो खाली डब्बा देने जा रहा था। इस बार ले लो, अगली बार उसमें भर के दूंगा। मैसेज तो पढ़ो, बहुत अच्छा मैसेजेस, बहुत अच्छे मैसेजेस। बिना पढ़े बहुत अच्छे। पढ़ा मैंने, मेरी हैंडराइटिंग में लिखा है ये। स्पेशल मेल कराते हैं, मेरा बर्थडे ये बात तो होता है। जो डंडा होता है ना, उसी की चलती है। कहां से डंडी हुए बताओ, कमजोर आदमी बताओ। पूरा घर का टोर तो मैंने दे दिया आपको, थोड़ा सा छोटा सा टोर छत का देता हूँ। Guys, another vlog by this handsome guy on the earth is coming to an end. So we are all going to Lucknow. So mom, dad are also going to Lucknow. Mama Shri ke paas jayenge. Masi. Haan, I'm sorry. Masi. And Masi will take a flight back to Delhi. Chale. Chalo. Band karo. Jai Mata Di. Jai Mata Di.